दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम जानकारी देने वाले हैं कि वेस्टिज में अपनी आईडी को कैसे कैंसिल और डिलीट करवा सकते हो। वैसे दोस्तों वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद कोई भी बंदा इसको छोड़ने का निर्णय नहीं लेता, लेकिन फिर भी कोई पर्सनल कारण से इस बिजनेस को रिजाइन करना चाहता है तो उसको कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है उसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। तो गाइस, आप अगर अपनी वेस्टिज आईडी को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको एक लेटर लिखना होगा कुछ इस तरह, टू वेस्टिज प्राइवेट लिमिटेड। सब्जेक्ट में आपको लिखना है आईडी कैंसिलेशन या आईडी रिजेक्शन, रिस्पेक्टेड सर माय नेम इज जो भी आपका नाम है, एंड माय आईडी नंबर इज जो भी आपके आईडी नंबर है वो आपको लिखना है। उसके बाद एक वास्तविक कारण बताना है कि क्यों आप वेस्टिज को छोड़ना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल इशू है तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो ताकि वेस्टिज को सटीक जानकारी हो। उसके बाद आप लिखिए थैंक यू, माय नेम आपका नाम लिखिए और आपके आईडी नंबर लिखिए। और इसके बाद आपको एक साइड में सिग्नेचर करना है, आपके जो हस्ताक्षर है वो पैन कार्ड जैसे होने चाहिए। ये लेटर लिखने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। अब इस स्क्रीनशॉट को आपको कहाँ अपलोड करना है और आगे की प्रोसेस कैसे पूरी होगी वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको वेस्टिज लिख कर सर्च करना है। तो जैसे आप वेस्टिज लिख कर सर्च करोगे यहाँ पर आपको साइट मिलेगी। तो जो सबसे पहली वाली साइट है इस पर आप जाइए, और इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो साइड में है, तो यहाँ पर साइड में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड आप अपना खुद का डालिए, आप अपने जिस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आप डालिए। यहाँ पर मैंने जैसे ही लॉगिन किया यहाँ पर मेरी डिटेल आने लग गई है, आप देख सकते हो। अगर और अच्छा व्यू चाहिए तो आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जाकर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन ले लें। तो जैसे ही डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन लेंगे आपको यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर दिखेगी। तो जैसा मैंने बताया था, लॉगिन पे जाइए, आपकी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर है वो ऑटोमेटिक मेरा आ जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है। उसके बाद इसको ठीक यहाँ पर मेरी जो डिटेल है वो आ गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ साइड में आप जाइए राइट हैंड साइड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इस ऑप्शंस में आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है रिक्वेस्ट और चेंजेस। जैसे आप रिक्वेस्ट और चेंजेस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो है वो मेंशन रहेगा, ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर रहेगी, आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका जो भी नाम है या जिसका भी यहाँ पर इस आईडी में नाम होगा उसका दिखाने लग जाएगा। रिक्वेस्ट टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। रिक्वेस्ट टाइप में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आ जाएगी, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आईडी कैंसिलेशन। जैसे ही आप आईडी कैंसिलेशन का ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा रिटर्न रिक्वेस्ट लेटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटर मेंशनिंग द रीज़न एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर हमने जो सबसे पहले लेटर लिखा था और जिसका स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल करके जो इमेज आपने सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पर आप जैसे ही सिलेक्ट करना है तो ये अपलोड के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर रेंडमली कोई भी इमेज ली है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ कॉपी, एड्रेस प्रूफ सेकेंड है एड्रेस प्रूफ ऑफ कॉपी विद नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट आपने आईडी बनवाते समय दिया था, आधार कार्ड हो कुछ भी हो, मोस्टली हम आधार कार्ड देते हैं, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फोटो लेना है और वो इसको भी फाइल अपलोड करना है, ध्यान रखना है। तो मैं रेंडमली यहाँ पर कुछ भी चूज कर रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो दो इमेज दिख रही है। इसके बाद तीसरे में आपको क्या लेना है, एनी साइंड आईडी प्रूफ, वो पैन कार्ड भी हो सकता है, जिस आईडी प्रूफ में आपका सिग्नेचर हो। अब सिग्नेचर हमें कहाँ मिलता है, सिग्नेचर हमें मिलता है पैन कार्ड में और ड्राइविंग लाइसेंस में।
तो इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर मैं रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। जब आप ये तीनों चीज़ अपलोड कर देते हैं, सबसे पहले हमें जो लेटर लिखा था वो अपलोड करना है, दूसरे में हमारा एड्रेस प्रूफ मतलब आधार कार्ड शेयर करना है, तीसरे में हमें कोई भी पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो सिग्नेचर आप उसमें लेटर में करोगे वही सिग्नेचर आपके आईडी प्रूफ पर होना चाहिए। इसके बाद जो इंटर कैप्चा है तो ये कैप्चा कोड आप डालोगे और जैसे ही सबमिट करोगे आपको आपका जो फॉर्म है जो भी रिक्वेस्ट है वो वेस्टिज के पास पहुंच जाएगी और वेस्टिज उसको एक्सेप्ट कर लेगी, या अगर कुछ कारणवश वो रिजेक्ट करते हैं तो आप वहाँ पर उनका कारण जान सकते हो और वापस से रीअप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो फिर आपका वेस्टिज के साथ कोई नाता नहीं रहेगा, फिर आपके वेस्टिज से कोई भी संबंध नहीं रहेंगे, नाते टूट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इतना आसान है वेस्टिज से क्विट करना, रिजेक्ट करना या अपने आईडी को कैंसिल करवाना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पर हाँ आप फालतू के सवाल ना पूछिएगा। थैंक यू।